हेलो जी, नमस्ते। तो मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और बाहर का मौसम हो चुका है पूरी तरह से बारिश वाला, मतलब बारिश लग चुकी है पूरी तरह से। तो आज का सीन ऐसा है, आज हम लोग बना रहे हैं मोमोज, पहाड़ी मोमोज। तो मतलब आता नहीं है मुझे मोमोज मोमोज कुछ भी बनाना, बस ट्राई कर रहे हैं कैसे बनाते हैं, जैसे अपने दुकानदार बनाते हैं ना होटल वाले। तो देखेंगे, ट्राई करेंगे उनकी तरह शेप लाने की सब कुछ, बट कैसे बनते हैं वो लास्ट में पता चलेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं, फर्स्टली अपनी गोभी काटते, प्याज काटते, उसके बाद पूरा प्रोसेस दिखाते हैं आपको। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए मैं गोभी लेकर आ चुका हूँ और कटिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो सबसे पहले मैं देखिए कैसे काट रहा हूँ, पता नहीं, मैंने देखा है होटल में ऐसे कटिंग करते हुए, अब ज़्यादा मुझे भी आइडिया नहीं है कैसे कटिंग करते हैं, बट लगा हूँ मैं भी। सबसे पहले इनकी चॉप कर देते छोटे छोटे हिस्से में, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। पता नहीं ऐसे ही करते थे यार होटल में तो, पर ये तो बहुत बड़े कट गए यार, अब छोटे छोटे कैसे होंगे ये यार। पता नहीं होटल वाले कैसे कटिंग करते हैं, मेरे तो देखिए इतने बड़े बड़े पीस बन रहे हैं। जो मोमोज की स्टफिंग होती है ना जो होटल वाले करते हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे बारीक सी होती है उनकी। पता नहीं यार, मुझे ना YouTube खोल के देखना पड़ेगा पहले, तभी होगा, वरना तो यार ये तो मतलब अर्थ का अनर्थ बन रहा है। मोमोज की जगह पता नहीं सब्जी बन रही है ये तो। YouTube में दिखा रहे बिल्कुल ऐसे 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 करते रहो बार बार यार, वो पता नहीं ऐसे वो ऐसे ही कर रहे थे, पता नहीं यार बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे। हाँ अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा हो रहा है, देखिए पहले तो इतने बड़े बड़े टुकड़े हो चुके थे, अब लग रहा है कुछ बन रहा है काम। तो मुझे लगता है ये तो भाई बहुत मेहनत वाला काम है, पता नहीं कैसे करते होटल वाले। भाई हाथ दर्द हो चुके हैं मेरे, लाल हो गए देखिए हाथ पे। अब देखिए मैं एक गिलास लेके आ चुका हूँ और इससे ना फटाफट हो रहा है। मैंने एक YouTube में वीडियो देखी और देखिए गिलास का कमाल, ये है पहाड़ी मोमो। टक टक टक, अब देखिए फास्ट हो जाएगा और जल्दी जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, अब मेरे मोमोज स्वादिष्ट बनेंगे और ये भी छोटे छोटे हो जाएंगे। YouTube बहुत काम की चीज़ है। ये मेरा फोन कहाँ गिर रहा है पीछे यार। तो अब देखिए प्याज की बारी आ चुकी है, अपना गोभी तो हो चुका है मस्त वाला। तो अब देखिए ऐसे गिराते ना शेफ लोग, ओए भाई फंस गया, देखिए ओए ये फंस गया देखिए भाई। अब प्याज की बारी आ चुकी है अपनी, ये मैं भी शेफ बन गया आज, मोमोज वाला शेफ। ओए हाथ के ऊपर ही आ रहा भाई ये तो, वो लोग कैसे काटते हैं फटाफट, शक शक टक 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 ऐसे टक 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 टक। भाई मुझे तो उंगली का डर लग रहा है यहाँ पे, वो लोग पता नहीं कैसे काटते हैं ये। ये हमारा प्याज भी हो चुका है, बट ये तो यार बड़ा ही रह गया, अब छोटा करना पड़ेगा इसको, ये ऐसा इतने छोटे छोटे। भाई बहुत मेहनत का काम है ये, देखिए अभी तक सिर्फ मेरा ना गोभी और प्याज, प्याज भी पूरा काम, अभी तो कटिंग ही हो रही है इसकी। तो चलिए फटाफट करते हैं और सीधा स्टफिंग दिखाते हैं आपको। अब अपना आधा काम खत्म हो चुका है, तो वो देखिए अपनी स्टफिंग तैयार हो चुकी है मोमोज के लिए, मस्त वाली ना। इतनी मेहनत लगी यार, मतलब ऐसे चॉप 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 ऊपर से, पहले चाकू से, बाद में फिर एक वीडियो देखी मैंने यूट्यूब में, उसमें गिलास से कर रहे थे, तो गिलास से आसानी से मतलब हो गया, चाकू से बहुत मेहनत लगती है लेकिन गिलास से चॉप करना आसान होता है। तो चलिए अब इसमें मसाला डालते हैं, उसके बाद फिर सीधा स्टफिंग करके डाल देते हैं, मोमोज तैयार होते हैं। तो ये देखिए पहले हम लोग डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, मैं भी फूड ब्लॉगर बन रहा हूँ अब, ये नमक स्वाद अनुसार, फिर थोड़ी सी
मिर्च, पिसी हुई मिर्च, और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी। अब इनको मिलवाते मिलवाते क्या मिलाते हाथ से मिलाते अच्छे से। ये देखिए, और फिर रेडी हो जाएगी अपनी स्टफिंग। ओ भाई, इसमें अलग ही कलर आ चुका है एक, ये देखिए अपनी मोमो की स्टफिंग हो चुकी है तैयार। अब बस, तो ये देखिए मोमो बॉक्स ला चुके हैं हम लोग, इसी के अंदर डालेंगे मोमोज। और ये आटा भी गूंद लिया है हम लोगों ने इसके लिए, मोमोज के लिए। और पूरा स्टफिंग देखिए, पूरा सब सामान तैयार हो चुका है। बस अब इसको करना है साइड, इसको करेंगे साइड, और इसमें पानी डाल के इसको लगा देंगे गैस के ऊपर। और फिर इनमें तेल लगाएंगे पहले हम लोग यहाँ पे रिफाइंड ऑयल, क्योंकि जम जाता है ऐसा देखा मैंने यूट्यूब में। होटल वाले, पता नहीं होटल वाले करते क्या करते यूट्यूब वाले। तो चलिए अब करते फटाफट से तैयार। जब तक हमारी स्टफिंग तैयार हो रही है, हम लोग यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रखते हैं। तो मैंने देखिए पहले गर्म पानी डाल दिया है इसके अंदर ताकि फटाफट से हो सके। तो चलिए गैस चलाते हैं अब। चल भाई, जल जा मेरी गैस। ये जल चुकी है मेरी गैस। अब इसकी छोटी छोटी रोटियां बनाते हैं और इसमें स्टफिंग भरते हैं। चलिए, तो अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए ऑयल डाल रहा हूँ थोड़ा। आजा भाई, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम लोग इसमें, फिर इसको लगाएंगे इसके अंदर। मोमो मेकर है अपना, मोमो मेकर क्या बोलते हैं इसको, मोमो बॉक्स, मोमो बॉक्स बोलेंगे हम इसको। और इसको रख देंगे इसके ऊपर यहाँ पर देखिए। अब तीन बॉक्स है मेरे पास, देखिए तीनों में लगाऊंगा मैं ऑयल। ये इसको रखेंगे यहाँ पर, और ये देखिए। चलिए अपना मोमो बॉक्स भी हो गया तैयार, ऑयल लगा दिया मैंने इनमें। तो अब इसको रखते हैं ऑयल को साइड में, और अब करेंगे, अब हमारा आटा आ चुका है इधर, और अब इसकी छोटी छोटी मोमोज की तरह वो बनाएंगे। ओ भाई, ये तो पानी गिर गया, साफ करते हैं पहले, रुको। तो देखिए ये बना लिया हमने आटे की रोटी, और रोटी को काटेंगे अब मोमोज के शेप में। ये देखिए छोटी छोटी, ओ भाई ये फंस गई, रुक जा। एक, दो मोमो, तीन मोमोज, चार, पांच, और एक हाफ मोमोज का हो गया देखिए। एक हाफ 40 रुपये दीजिए अब जल्दी जल्दी से, 40 रुपये के मोमो भाई। अब ऐसे पता नहीं ऐसे ही करते हो लोग। तो मेरा फर्स्ट मोमोज देखिए, ये भाई साहब, ये आ गया मोमोज भाई। वो लग रहा है मोमोज की तरह, देखिए लग रहा है ना बिल्कुल सेम मोमोज। बस वो थोड़ा डिज़ाइन डालते हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, रुकिए, ऐसे 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 ऐसे, ये अब देखिए लग रहा है ना बिल्कुल सेम मोमोज। वो भाई तू कहाँ चिपक गया, देखिए छोटा सा मोमोज है ना। अच्छा तो चलिए फटाफट से डाल भी देते हैं इसे एक 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 साथ में। और अभी आएगा दूसरा मोमोज हमारा, तो देखिए अब ये वाला बनाऊंगा मैं, मस्त वाला। ये देखिए, ये लग रहा है ना मोमो, औसम वाला, 40 रुपये का नहीं, 60 रुपये, 100 रुपये का प्लेट, 100 रुपये प्लेट बेचूंगा मैं ये। तो चलिए अब इसे भी डालते, रुके शेप दे देते इसे बढ़िया वाला। ये भाई मोमोज। तो यहाँ पे देखिए पहला बॉक्स हो चुका है पैक, तो इसे कर देते बंद अच्छे से। थोड़ी गैस बढ़ा देते हैं हल्की सी,
अब दूसरा बॉक्स इसके ऊपर, रुकी इसके ऊपर ही रख लेते हैं, दूसरा बॉक्स रख देते ऊपर, अब इसे भरते हैं फटाफट से। तो देखिए अपने मोमोज बॉक्स के अंदर जा चुके हैं, तो अभी चटनी बनाने की तैयारी है यहाँ पे। तो देखिए टमाटर आ चुके, प्याज और अपनी मिक्सी आ चुकी है, तो चलिए फटाफट से चटनी बनाते और खाते मस्त वाला। तो ये देखिए अपनी चटनी भी बन चुकी है, ये अपनी चटनी हो चुकी है तैयार एकदम से। मैंने ना इसमें अखरोट डाले थे, तो अखरोट से देखिए कलर चेंज हो चुका है बिल्कुल ही, और क्या मस्त लग रही है चटनी अपनी, और मोमोज भी तैयार होने वाले हैं। तो देखिए अपने मोमोज शायद तैयार हो चुके हैं, तो निकालते हैं इन्हें। ओ भाई मस्त लग रहे हैं ना, और अपनी चटनी कहाँ गई वो ये देखिए अपनी चटनी, तो निकालते हैं इसे प्लेट में। तो ये देखिए अपने पहाड़ी मोमोज हो चुके हैं तैयार। ओ भाई मस्त लग रहे हैं, फटाफट से खा के टेस्ट करते हैं कैसा है। तो देखिए अपने मोमोज तैयार हो चुके हैं, तो टेस्ट करते खाते मस्त वाला सो जाते हैं। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि बारिश ना बहुत तेज हो रखी है बाहर, तो देखते हैं कल अगर ज़्यादा बारिश होगी तो स्नो में जाएंगे हम लोग, तो देखते हैं कल का क्या प्लान बनता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट पब्लिक, मोमोज खाइए पहाड़ी मोमोज।